Digital Classes branding. Yeah. At the back it is retailers. We are retailers. Not we. You are the retailers. Okay? And updated syllabus. I'm confused that how many types of questions come in according to the Coulomb's law. Okay? In examination. Mainly in the competitive examination like IITJ Advanced, mainly in the advanced or NEET examination. NEET used to ask very simple or easy questions. Not very much about simple or about easy questions. But in advanced, the level of the question is very good, very good. You need to solve, if you want to solve that type of questions, you need, sometimes you need sense. What is the sense? Sense comes from the practice. Understand? सेंस कहाँ से आता है? सेंस मतलब कैसा आ गया? प्रैक्टिस से. उस तरह का क्वेश्चन तुम लगा चुका पहले, तो उस तरह का क्वेश्चन तुमको मिलेगा कहाँ से? अब तुमको बोल देंगे ये बुक खरीद लो. अब तुमको जब बुक ही खरीदना तो मेरे पास क्या है? पढ़ क्या है कि नहीं? उतना बुक खरीद के खुद कैसे पढ़ लेगा? अब वहां से ढूंढने जाएगा कौन क्वेश्चन समझ में आया, कौन सा क्वेश्चन लगा. हम लोग उस क्वेश्चन को निकाल के रखेंगे. क्या समझा? बहुत सारे मार्केट में लेकिन कंसेप्ट बेस्ड जहां से आया कि क्वेश्चन होता था. हम लोग का काम मतलब हम लोग का मेन फंड है सिलेक्शन. सिलेक्शन सर, अब किसी सिलेक्शन मतलब क्या हो गया? आईआईटी में जैसे सिलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन सब नहीं है. आईआईटी में ब्रांच भी तो चाहिए. बात समझ आ रही? ब्रांच एक लड़का का रैंक अगर मान लो 10,000 है ना, ठीक है, उसको आईआईटी मिल जाएगा, ठीक है, वो पूछ नहीं सकता कि हाँ चलो आईआईटी को मिल गया, लेकिन ब्रांच नहीं मिलेगा. ब्रांच नहीं मिलता उसके वजह से वो लोग नॉर्मल कॉलेज में ब्रांच के कारण नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेगा. बहुत बार हो चुका है. अगर अपना मन चाह ब्रांच चाहिए तो टॉप 500 में होना ही चाहिए स्टूडेंट को. टॉप 500 उसके लिए मिनिमम स्कोर बता रहे अबाउट 250. अबाउट 250 जे मेंस में, एडवांस में अबाउट 200 अबाउट. उसके लिए मतलब मेहनत उतना करना पड़ता. ऐसे ही क्वेश्चंस में सिलेक्शन नहीं हो जाएगा. ऐसे ही सिलेक्शन नहीं हो जाता. फ्री में सिलेक्शन नहीं है क्योंकि कॉम्पिटिशन में अबाउट 15 लाख स्टूडेंट बैठा हुआ है. क्या समझे? हम अमाउंट ऑफ स्टूडेंट कम भले कर देंगे लेकिन फोकस हर एक पर रहेगा. क्यों? क्योंकि हमको रैंक चाहिए, 100% सिलेक्शन चाहिए. परसेंटेज मैटर. क्या समझे? परसेंटेज मैटर करता है ना सिलेक्शन का, कि सिलेक्शन कहाँ हो रहा, कितना हो रहा, ये सारा चीज मैटर करता है. जिसके कारण ही हम लोग आगे फ्यूचर में वेबसाइट सभी का बता चुके हम लोग कैसे कैसे क्या क्या करना है. फिलहाल तो सभी को एक हमारा ड्रेस कोड तो दिख रहा है, बाकी सब लोग हमारे स्टूडेंट लोग ही हैं. फिलहाल इन फ्यूचर्स हम लोग पास अबाउट 7 से 8 रिजल्ट है जो कंफर्म रिजल्ट है. अब बाकी लोग जो है वो लोग भी रिजल्ट करने वाले लेकिन कंफर्म नहीं है. क्यों? क्यों कंफर्म नहीं है? जो कुछ कंफर्म है कुछ कंफर्म क्यों नहीं? क्योंकि वो लोग सिंसियर नहीं. अब सिंसियरिटी तो हम बनाना तो हम ही को पड़ेगा. अब सिंसियरिटी के लिए हमको उनके पेरेंट्स से बात करना होगा. अगर पेरेंट्स साथ देते हैं, अगर पेरेंट्स साथ देते हैं तो फिर स्टूडेंट रैंक करेगा. पेरेंट्स साथ देते तो स्टूडेंट रैंक करेगा. मेन चीज यही मैटर करता है. इन्वायरमेंट यहाँ बनेगा, सब चीज इन्वायरमेंट यहाँ होगा. घर में बहुत लोगों में ये डाउट होता है घर में पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, पढ़ रहे तो फील नहीं आ रहा. वो मतलब पढ़ने का जो फील होता है ना, एक जो क्वेश्चंस बनता है ना उसका अलग जुनून होता है. एक बन रहा है फिर दूसरा क्वेश्चंस करने का मन होता है, तो फील वहां नहीं मिल रहा. यहां पर क्या आराम से सांस लेने को आ सकता है. हां बोलो. दूसरे को सॉल्व है तो कर लेते हैं बट दूसरा सॉल्व करने जाते तो नहीं होता, मतलब उसे हार्ड लगता है. देखो ये तुम मन में भांग खा लिया ना, देखो बता रहा यहां से, ठीक है कोई बात नहीं, गुड. तो एक सवाल कर लिए हो गया. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने जाओगे एकदम सेम टाइप तो बनेगा. अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रहेगा तुम्हारा सेम टाइप तो रहेगा नहीं. क्या समझे? और जो मेडिकल वहां से छाटा हुआ. सोचो अगर तुमको हम एक डीबीपी में 50 क्वेश्चन मान लेती है, तुम 50-50 को सॉल्व कर लियो अपने से, तुम तो आईगेन बन चुके हो. जरूरत नहीं, कॉन्ग्रेट्स, ठीक है, आईगेन बन चुके. मजाक नहीं कर रहे, क्योंकि 50 क्वेश्चन सॉल्व करना आसान बात नहीं है. वो इतना भी आसान नहीं है.
लेवल है, मतलब क्या समझ लो, क्वेश्चंस कहां का है वो, आईआईटी का क्वेश्चंस है। अब आईआईटी का एक रूल है बता रहे, जो रिसेंटली इस साल जो पेपर सर्च से हुआ 29 जून को लगभग खत्म हुआ एग्जामिनेशन, ठीक है। अब कल रिजल्ट आया, अब बंगाल से एक कितना, मतलब कैसा बात है कि बंगाल से एक भी स्टूडेंट 100 परसेंटाइल स्कोर नहीं कर सका, टोटल 14 स्टूडेंट स्कोर किया 100 परसेंटाइल, 14, जिसमें से 4 तेलंगाना और 3 आंध्र प्रदेश, मतलब 7 सिर्फ साउथ से हो गया, क्या समझे, दो ही स्टेट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ध्यान से देखा जाए तो अबाउट हैदराबाद दोनों है कि नहीं, है कि नहीं, दोनों अबाउट हैदराबाद ही है, और एक उत्तर प्रदेश एक राजस्थान, बिहार से भी एक नहीं है और बंगाल से एक है ही नहीं। तो बंगाल में यहाँ पर जो फिटजी वाला लोग बैठा हुआ, खास लोग ये लोग करके आराम को समझ में नहीं आया, ठीक है, ये चीज